सत श्रीकाल एफ एम आई न्यूज़ देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। असी कैनेडा च चैनल वाई देख रहे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। अज 17 जून 2016 ते दिन शुक्रवार है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे हेडलाइनस नाल। विवादा ते सियासत तो बाद फिल्म उड़ता पंजाब सूबे समेत मुल्क भर च हुई रिलीज़। लुधियाणा ते पटियाला च फिल्म खिलाफ रोस प्रदर्शन। आमिर खान ने की फिल्म की तारीफ। फिल्म उड़ता पंजाब नूं लैके सूबे भर च सुरक्षा हाई अलर्ट ते अमृतसर च बिना होर्डिंग तो रिलीज़ हुई फिल्म। मोहाली समेत सूबे भर च सिनेमाघर अगे पुलिस मुस्तैद। फरीदकोट के पिंड जवार सिंह वाला च गोली का शिकार हुई डेरा प्रेमी की इलाज दौरान लुधियाना च हुई मौत। 13 जून नूं हमले च जख्मी होया सी डेरा प्रेमी गुरदेव सिंह। फरीदकोट के जवार सिंह वाला ते बरगड़ी च माहौल तनावपूर्ण। श्री हरिमंदर साहिब की परिक्रमा अंदरों अगवा हुए 5 साल बच्चा बरामद। अगवा कार काबू। बच्चे के अगवा होने तस्वीरां सोशल मीडिया से हुई सन वायरल। गुजरात के अहमदाबाद की गुलबर्ग कतलेआम मामले च 11 मुजरमों नूं उम्र कैद। 12 नूं 7-7 साल की सुनाई गई कैद। कतलेआम च मारे गए साबका एमपी एहसान जाफरी की पत्नी ने फैसले से जताई नाराजगी। कहा मेरी लड़ाई रहेगी जारी। ब्रिटेन के यूरोपी संघ च बने रहने के हक में प्रचार कर रही सांसद जो कॉकस का होया कतल। हमलावर ने गोली मारन उपरंत चाकू नाल कीते वार। मुलजम नूं पुलिस ने किया काबू। लंबे विवादों ते सियासी बयानबाजी तो बाद आखिरकार उड़ता पंजाब ने मुल्क भर के थिएटरां च परवाज भरी है। वड्डी गिणती च लोगों की भीड़ फिल्म नूं पहले दिन देखण आई। भावें कि फिल्म दे इंटरनेट ते 732 थावां ते लीक हुई है, फिर भी मुल्क भर च लोकां च इस फिल्म नूं लैके काफ़ी उत्साह बनया होया। फिल्म दे रिलीज़ मौके कई थावां ते रोस प्रदर्शन भी होए। लुधियाणा ते पटियाला च शिवसेना समेत हिंदू संगठनां ने रोस प्रदर्शन किए। लुधियाणा च मुजाहराकारी फिल्मां ना चलाउण दी मंग कर रहे सन ते थिएटर च वड़ के फिल्म नूं रुकवाउण दी कोशिश भी कर रहे सन, जिन्हां नूं पुलिस ने हिरासत च लै लिया। प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लगाया कि फिल्म पंजाबियों नूं बदनाम करन दी साजिश तहत बनाई गई है। नहीं, हम फिल्म नहीं चलना देना चाहते। हम नहीं चाहते भी लोगों तक ये पिक्चर लोग देखें और इसको जो मैसेज है वो लोगों तक गलत मैसेज पहुंचे। हर आदमी तो नशे में विरुद्ध नहीं, नशे में नहीं है ना, कुछ लोग ही तो इस नशे के अंदर है। इस फिल्म में पहली बात तो लिखा गया है, टाइटल है उड़ता पंजाब। हम ये पूछना चाहते हैं, नशे पे ये फिल्म दिखाई गई है, उड़ता पुणे क्यों नहीं बनाया गया? जहाँ जहाँ नशा बिकता है उस शहर के, उस प्रदेश के नाम से क्यों नहीं बनाया गया? अकेला पंजाब ही क्यों टारगेट किया गया? जो पीछे मकसद है, हमें इसके पीछे गहरी साजिश लगती है। आने वाले इलेक्शन 2017 में पंजाब में होने जा रहे हैं, उसको बनाने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए इस फिल्म को बनाया गया है, ताकि इसका नाम उड़ता पंजाब रख के सारी पंजाबियत का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया गया है, सिर्फ राजनीतिक वोटे लेने के खातिर। इसी कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म उड़ता पंजाब नूं लैके सुरक्षा हाई अलर्ट है, जिसके चलते अमृतसर च फिल्म बिना होर्डिंग ते रिलीज़ की गई। सिनेमाघरां दे बाहर फिल्म का कोई भी पोस्टर नज़र नहीं आया। उधर मोहाली, लुधियाणा ते हुशियारपुर च भी फिल्म रिलीज़ नूं लैके सुरक्षा का एक खास प्रबंध किए गए सन। फिल्म ऑल ओवर बहुत बढ़िया थी। पता नहीं, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि लोग इसको बैन क्यों कर रहे थे। काफ़ी समय से इसको इतना टाइम से रोक के रखा हुआ था। ये तो मैं कोर्ट का थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको जल्द से जल्द जो है हमारे तक पहुँचाने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और इस वजह से हम उस फिल्म को देख पा रहे हैं। फिल्म सर देखने जो बहुत वधिया वा, स्टोरी भी अच्छी है, तो जो पंजाब दे विच नशिया दे जो यह कालाबाजारी चल रही है वो लई फिल्म यूथ नूं दिखाणी बहुत जरूरी है। फैमिली दे तां देखण दे लायक तां बिल्कुल मूवी है ही नहीं है। बाकी जो अजकल इंडिया दे विच चल रहा है कि नशियां दे उत्ते, ते उहदे उत्ते बनाई गई है, मगर जो बल्कि चल रहा वो होना नहीं चाहिए। बल्कि जो सर मेरे ख्याल नाल तां बिल्कुल नहीं चलेगी। जो उच्च गालां है, बहुत ही पैथेटिक टाइप की गालां कढ़ियां हुई हैं, और बल्कि बहुत ही यूजलैस टाइप की है सर। कमिश्नर साहब दे हदायतां मुताबक ते कोर्ट वल्लों उहनां नूं फिल्म जारी करने के हुक्म होए ने। उड़ता पंजाब में कोई माहौल जरा कोई संगठन कोई भी किस तरह रुकावट ना पा सके, इस सिक्योरिटी वो तो वह लगाई गई है भी कोई इनू सही सलाम शांतिमई ना चलाई जा सके। हूँ तक माहौल फिल्म 9 सवा 9 चलनी है, अज तक शांतमई माहौल चल रहा, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक ठाक लग गई। बैनर राती पता लगा भी रात लेट ही फिल्म का आया, पर बैनर कोई इन्हें लाया नहीं। पुछया गया इन्हों लेट मिली फिल्म करके नहीं।
उधर आमिर खान ने फिल्म उड़ता पंजाब की तारीफ की थी और फिल्म लिए अनुराग कश्यप नु वधाई दी है। दो सेकंड जो मुझे लगता है पायरेसी जो है आमतौर पे जो आम इंसान है जब वो पायरेटेड फिल्म देखता है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो चोरी करना चाहिए। अगर मैं किसी दुकान में जाके टीवी चोरी कर लूँ और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना छीन लूँ मुझे लगता है कि मैं चोरी कर लूँ, लेकिन जब हम पायरेटेड फिल्म देखते हैं तो हमको ये चोरी कर रहे हैं हम वो गलत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये सेंसिटिविटी बढ़े बड़ी मेहनत करते हैं और इसमें सिर्फ स्टार्स नहीं है इसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, इसमें स्टंट मैन हैं जो अपने जान पे खेल के काम करते हैं, इसमें म्यूजिशियंस हैं, इसमें लेखक हैं, हर क्रिएटिव के लोग जुड़ते हैं और इस वक्त वो संवेदनशीलता नहीं है लोगों में कि जब आप कोई पायरेटेड फिल्म देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई चोरी कर रहे हैं। लुधियाना च फरीदकोट के पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला विच हमले दौरान जख्मी हुए डेरा सिरसा प्रेमी गुरदेव सिंह की मौत हो गई है। दुकानदार गुरदेव सिंह नूं 13 जून नूं अणपछाते लोगों ने गोली मार दित्ती सी। जख्मी गुरदेव सिंह नूं लुधियाना के DMC हस्पताल लई रैफर किया गया सी। 13 जून नूं सवेरे 5:15 बजे के करीब 3 कार सवारा ने उस ते फायरिंग कर दित्ती सी। गंभीर हालत में उस नूं फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया पर डॉक्टर ने उसकी विगड़ती हालत को देखद्या तुरंत DMC लुधियाना लई रैफर कर दिता सी। इस मामले को लैके फरीदकोट के पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला बारगड़ी में तनाव का माहौल बनया होया। डेरा प्रेमी का कहना है कि मुलजमान को छेती तो छेती गिरफ्तार किया जाए। उधर मृतक के भरा ने कहा है कि उन्होंने किसी पर कोई शक नहीं। मृतक के रिश्तेदार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस सही तरीके नाल कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए सरकार जिम्मेवार है। ये जी 13 तरीक की सुबह की गल है, मेरा ब्रदर की दुकान से किरियाने की दुकान खो रहा सुबह टाइम 5:30 बजे का, तो उन्होंने कोई आया उस पिछों भी गोली मार गया दुकान खोली थी उन्होंने जो तो अंसर जिन्हें जो आए वो तो पता नहीं लगा कौन सी कौन नहीं सी कार से आए हुए से नहीं पछाण कोई नहीं हुई। अभी डेरा प्रेमियों ने यह कहने प्यार से मुहब्बत नाल जो भी असी किसी ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते कट्ठे बैठ के असी साडा प्रेम दे नाल ही संघर्ष होगा किसी ने ना कोई लड़ाई ना साडे किसी ने विरोध होवे ना साडे गुरु ने दस्सिया कि इन्हां झगड़ा करना जिहड़े शरारती तत्तू उहनां नूं जल्दी जल्दी फड़ के अंदर किया जाए उन्होंने सज़ा दी जाए। हाँ इन्हां दी नकामी है ये अपने उसनों तेज़ करके उन्हें जल्दी जल्दी पुलिस वाले आपदे प्रशासन तेज़ करन ते बंदे नूं फड़ के जल्दी जल्दी उन्हें सुराखां दे नाल पहुंचाउण। बठिंडा च पिछले 22 दिनों तो चल रहे किसान धरने च देर रात एक किसान की बीमार होने उपरंत मौत हो गई। मृतक किसान मानसा जिले के पिंड डोडरा का वसनीक सी। रला सिंह नामक 70 साल बुजुर्ग किसान अपनी मंगां नूं लैके DC दफ्तर अगे संघर्ष कर रहा सी अते पिछले कई दिनों तो धरने च शामिल सी। देर रात हुई किसान की मौत तो बाद पुलिस मौके पर पुजी अते लाश पोस्टमार्टम लई कब्जे च लै लई। जो ये किसान मानसा जिले नाल संबंधित पिंड डोडरा है ना इहदा रला सिंह है पिता का ना जवाहर सिंह है बुजुर्ग सी जिद्दे तो लैके जानी धरने च शामिल है साडा 24 तरीक तो पहला जिलों ते शुरू होया सी उस तो बाद जानी साढ़े ये 29 तरीक तो लैके लगातार ये धरने च शामिल सी बुजुर्ग तो लगातार कहिंदे भी यह आ रहे थे भी मैं तो एक पासा करना जिंद ला जानी आपकी धरने समात किसानां मजदूरों दी समस्यावां दे जिन्ना चिर हल नहीं होंदे असी मतलब धरने का जानी एक पासा करके जाए इन्हों का आपका भी कहना सी। असी मतलब सरकार भी यह हैगी है भी सरकार साढ़िया किन्निया बलियां लेंदियां किन्निया जाना लेंदियां उदे तो कह रहे हैं भी सरकार साडा सबर परखण ते लगी हुई है असी सबर दे नाल मौत रात हुई है जी। हाँ रात हम पहला ढिला होया लैटरीन लग गई सी फिर एक बारी सौ गया जो 4 बजे दोबारा वर्करा ने देखा 4 बजे वह सुता ही आए मतलब रह गया ऐसे तरह ही पाया आए रात हुई है मौत रला सिंह बस डोडरा दी है ये धरने शामिल सीगा और इसनों असं हुणी सिविल अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं और जो भी बनती कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा च शुक्रवार को मालवा खेत्र दीयां सारीयां पंचायतां ने पंचायत मंत्री सिकंदर सिंह मलूका दे नाल मिल के एक रोस मार्च SYL मामले ते कढ़िया ते प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति नूं DC जरिए मंग पत्र भेजा जिस च उन्हां पंजाब दे पाणी नूं दूसरे सूबियां नूं ना दित्ते जाण दी मंग कीती अते कहा कि पंजाब दे पाणी अते सिर्फ पंजाब दा हक है जो उस नूं मिलना चाहीदा है। फिर जो पानिया का फैसला
दोबारा फिर साढ़े ना बहुत वड्डा टक्का किया, 2 लाख फुट एकड़ पानी दिल्ली नूं देता, बाकी साडा हुण तुसीं लै लो वी जिहड़ा सानूं इन्ना पानी दिता इन्नियां ठगियां दे बावजूद हुण उहदे च वी खोण नूं फिरदे ने, उहदे च वी हिस्सा मंगदे ने। हुण साडे कोल तां रहिणा ही कुछ नहीं, पंजाब जिहड़ा मालक है पानियां दा उहदे कोल कुछ नहीं, जिहड़े मालक ने उहनां नूं सारा पानी दिता जा रिहा। सो इहदी लड़ाई है जिहड़ी पंजाब विधानसभा दे विच वी सारियां पार्टियां ने रल के सर्वसंमती नाल मता पास कीता, इह पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई है। हर बंदे नूं इहदे च कुटना पएगा, नहीं तां पंजाब दा व्यापार वी तबाह हो जाएगा, किसान वी तबाह हो जाएगा, इंडस्ट्री वी तबाह हो जाएगी, कोई चीज़ नहीं बचेगी। जे पानी ना बचिया तां पंजाब नहीं बचेगा, बहुत वड्डा देश दा नुकसान होएगा, बहुत वड्डा साडा राष्ट्रीय नुकसान अन्न दे मामले च होएगा। सो इह धक्का असीं कहिंदे ना करो, जो कानून बनिया देश दा संविधान दे विच लिखिया कानून भारत दे विच कि राई पी एन राइट दे नाल पानी वंडिया जाएगा, उस कानून दे मुताबिक फैसला कर दिओ, सानू कोई इतराज़ नहीं। विजिलेंस ब्यूरो बरनाला की टीम ने बरनाला के पिंड टल्लेवाल सर्कल ए विखे तैनात पटवारी 5,000 की रिश्वत लेंद्या रंगे हथी काबू किया। इस संबंधी विजिलेंस विभाग के DSP ने दसिया है कि किसान काका सिंह वासी गहल ने अपने रोड च इंक्वायरी हुई जमीन का चैक लेना से पटवारी ने 10,000 रुपए की मांग की, तो इन्हों का सौदा 5,000 रुपए च तय हो गया, जिस तों बाद विजिलेंस ने जाल बिछा के इस रिश्वतखोर पटवारी काबू कर लिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਟੱਲਿਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫਿਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। SGPC ਸਚਿਵ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 18 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਵਾ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
स्टेट मिनिस्टेरियल सर्विस एसोसीएशन की स्टेट बॉडी के सदे से जिला गुरदासपुर के समूह मिनिस्टेरियल कर्मचारियों ने 3 दिन काले बिले लगा के हड़ताल करने तो बाद संघर्ष तेज करद अपने दफ्तर के कामकाज ठप करके अपनी मंगों लैके डीसी गुरदासपुर अगे गेट रैली करके रोस प्रगट किया। इस उपरंत गुरदासपुर के बाजारा अंदर रोस मार्च भी कढ़िया। गेट रैली संबोधन करद आगुआ ने सरकार दंगा प्रति टाल मटोल वाली नीति की निखेधी की। विशेष सिट अदालत ने शुक्रवार को गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले में 11 मुजरमान उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस दे नाल ही 12 मुजरमान 7 साल की सज़ा सुनाई गई है अते एक होर 10 साल की सज़ा दी गई है। दस दिए कि 2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसायटी के कांग्रेस के सबका सांसद मैंबर एहसान जाफरी समेत 69 होर लोगों का कतल कर दिया गया। 24 मुलजमान में 11 से हत्या का इल्जाम सन। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले साजिश का कोई सबूत नहीं है। IPC की धारा 120B की तहत दोष हटा दिए गए। दूजे पासे सबका सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का कहना है कि हाले पूरा इंसाफ नहीं मिलया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 36 लोगों को छड़ दिता है, इसलिए वो अगे लड़ाई लड़नगे और इंसाफ लेके ही दम लैणगे। तो भारतीय हवाई फौज ले 18 जून का दिन इतिहासिक होएगा। इस दिन हवाई फौज देश की पहला महिला 3 पायलटों नू जिम्मेवारी सौंपेगी। जानकारी मुताबक रीवा की रहने वाली अवी चतुर्वेदी बिहार की बेगमसराय की भावना कंत झुंझुनू की मोहना सिंह ने मार्च 2016 ही लड़ाकू जहाज़ उड़ाने की योग्यता हासिल कर ली सी। वायुसेना मुताबक अवनी भावना अते मोहना 18 जून नू जिम्मेवारी दे दी जाएगी। तो पठानकोट हमले का मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान तो भज के अफगानिस्तान चला गया। हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई पाकिस्तान की संयुक्त जांच कमेटी के एक अधिकारी ने वीरवार को यह खुलासा किया। मुजरमान को सज़ा देने के लिए पाकिस्तान की नीयत से एक बार फिर तो सवाल उठे ने। जांच टीम के अधिकारियों ने कहा कि पठानकोट एयरबेस स्टेशन से हमले के पहले जैश कमांडर की अतवादियों नाल करीब 12 बार फोन पर गलबात हुई सी। उसने 2 जनवरी नू हमले के दौरान अतवादियों नू फोन ते निर्देश भी जारी किए सन। हालांकि जैश कमांडर की पहचान जनतक नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि करीब 30 साल का जैश कमांडर हमले के दौरान पाकिस्तान के कबायली खेतरां च मौजूद सी। ब्रिटानिया लेबर पार्टी की महिला सांसद का कतल कर दिया गया। सांसद जो कॉकस के हल्के च एक हमलावर ने पहला उन्होंने गोली मारी और मगरों चाकू नाल वार करके कतल कर दिया। इस हमले दौरान एक होर व्यक्ति भी जख्मी होया दसया जा रहा। हमलावर नू पुलिस ने थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सांसद जो कॉकस के सहायक मुताबक 23 जून नू होण वाली रैशुमारी के चलद ब्रिटेन के यूरोपी संघ च बने रहन के हक विच प्रचार कर रहे सन। इस दौरान ही एक व्यक्ति ने उन्होंने हमला कर दिता। हमले च जख्मी होने तो तुरंत बाद एयर एंबूलेंस राही लीड्स के जनरल हस्पताल च सांसद नू लिजाया गया, पर उत्थे उन्होंने दम तोड़ दिता। एक सांसद के कतल मामले नू गंभीरता नाल लैंदिया पुलिस ने तुरंत हमलावर नू काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस 52 साल हमलावर तो पूछगिछ कर रही है। अमेरिका ने NSG मैंबरों नू भारत की मैंबरशिप दे लई समर्थन करन दी अपील की है। विदेश मंत्रालय के बुलारे जॉन किरबी ने कहा कि अमेरिका ने NSG दे सहयोगी देशों नू ये अपील की है। उन्होंने कहा कि जब भी NSG की चर्चा होवे तद इस दे सहयोगी देश भारत दे अपील का समर्थन करन, जो अगले हफ्ते होएगी। जॉन किरबी ने ऐलान किया कि भारत दे अपील का समर्थन करेगा। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले हफ्ते अमरीकी यात्रा दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 48 मैंबरी समूह के लिए भारत के निवेदन का स्वागत किया। बरतानिया की संसद में हुई एक समागम दौरान योग गुरु और धर्म प्रचारक श्री श्री रविशंकर योग रत्न अवार्ड न सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बरतानवी संसद मैंबर वरिंदर शर्मा ने भेंट किया। इस मौके उत्थे दे मशहूर सियासी हस्तियां भी हाजिर रही। वरिंदर शर्मा ने इस मौके कहा है कि योग अज हर मनुख की लोड़ अते जरूरत है, इसलिए उन्होंने श्री श्री रविशंकर सम्मानित किया। उन्होंने कम्मा की तारीफ भी इस मौके सांसद वालों की गई।
एफ बी आई डायरेक्टर जेम्स कॉमन ने कहा है कि एफ बी आई के मुस्लिम भाईचारे नाल चंगे रिश्ते ने और लोग जो देखते हैं सानू उस बारे सूचना जरूर देंगे ने। एफ बी आई का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान तो बाद आया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति अहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक निजी चैनल दिए एक इंटरव्यू मुसलमान भाईचारे ते निशाना साधिया सी। उन्हें कहा है कि ये लोग ओरलैंडो के हमलावर वर्गे लोगों की जानकारी नहीं देंगे तो इन्नी वड्डी वारदात हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेकर ये लोग समय से अधिकारियों को जानकारी दे देंगे तो ओरलैंडो नाइट क्लब जही वड्डी घटना ना होंगी। जिस तो बाद एफ बी आई ने कहा है कि एजेंसियां दे स्थानक मुस्लिम भाईचारे दे नाल मजबूत संबंध ने। एफ बी आई एजेंट्स खेतर विच शक्की हालातों ते नज़र रख रहे हैं अते स्थानक मुस्लिम निवासियों तो रिपोर्टा लै रहे हैं। ओरलैंडो की अतवादी घटना मगरों सिख भाईचारा चौकस हो गया। सिख भाईचारे वालों इस घटना तो तुरंत बाद इतों दी एजेंसियों नाल संपर्क करके खाण पीन का समान अते होर लोड़ीदियां वस्तुआं पहुँचाई गई। सिख भाईचारे वालों खूनदान की पेशकश भी की गई। उत्थे ही कैंडल नाइट विजन के हज़ारा अमेरिकन के इकट्ठे च खाण पीन का समान वंड रहे सिंघां नूं अमेरिकन लोगों के सुरक्षा बलों वालों नमखा नाल असीसां ते धन्नवाद दिता गया। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा वालों एक होर भारती अहम अहदे नियुक्त किया गया। दरअसल बराक ओबामा ने भारतीय मूल के कूटनीतिक कमला सीरीन लखतीर मलेशिया का अगला अमरीकी राजदूत बनाने नामजद किया। जे सैनेट वालों हामी भर दी जाती है तो लखतीर मलेशिया के अमरीकी राजदूत बन जाएंगे। नियुक्ति वेले ओबामा ने कहा कि उन्होंने पूरा भरोसा है कि नियुक्त किए गए काबिल मेहनती लोग अमेरिका पेश आ रही समस्यावां जरूर दूर करेंगे अते उन्हां इन्हां नाल काम करन लई उतावले ने। दस दिए कि कमला भारत के मुंबई शहर के नाल संबंधित ने। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा तरीन खबरों लई तुसीं वेखदे रहो FMI न्यूज़।